गोरखपुर में बुधवार को 24 घंटे के अंदर केवल 23 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,171 पहुंच गया है। इनमें 20,532 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 347 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 292 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडेय ने की है। बुधवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 10 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना और शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 3-3 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कोतवाली और गोरखनाथ में 1-1 और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में 2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 11 नए मरीज मिले हैं। इसमें ब्रह्मपुर, ब्रहलगंज, बेला, बेलघाट और खोराबार में 1-1, पिपराइज में 2 और चरगावा में 5 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में 2 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडेय ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।